Hello students, now today's our lectures and statistics chapter 1 exercise हमारी completed हो गई। अब हम कुछ limited illustrations जो है वो मैं आपको यहाँ पर explanation दे रहा हूँ, जो आपको already sums basis पर आ गए वो तो आपको self practice करना, कुछ अगर points ऐसे recorded हो रहे हैं तो उसके basis पर हम यहाँ पर वो sums indicated करेंगे। तो पहला फोकस हम करते हैं इलस्ट्रेशन 22 और पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है 40। तो इलस्ट्रेशन 22 में पार्ट वन यानी फर्स्ट क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस ही करना है, एज एन आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्यूल का दिया हुआ है अंदर सारे टर्म्स एंड रेगुलेशंस, फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सारे फ्यूल में कौन कौन से आ गए, कॉल, कैरोसिन, वुड एंड मैच बॉक्स, ऑल अराउंड किसके पार्ट्स हैं, फ्यूल के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है एज पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या फॉर्मूला था, सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। उस पर आप फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे तो आपका फ्यूल का कैपेसिटी आ जाएगा जो ऑलरेडी सम्स में कैलकुलेट किया हुआ है, और वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वो इंडेक्स लिख दे रहा हूँ एज एन 113.5। कितना आया है 113.51, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 113.5 एज एन, वो आपका किस बेसिस पर दिया हुआ है, फ्यूल का। ये आप ऑलरेडी सब फर्स्ट पार्ट में से लेके आओगे, फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है फ्यूल, इसका इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, एज एन सेकेंड क्वेश्चन आप देखो पैराग्राफ में दिया हुआ है, बाकी का इंडेक्स नंबर तो आपको फाइंड करना ही था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से आप फ्यूल इंडेक्स नंबर जो पहले से लेके आए होंगे वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख दिया, और सम नंबर उसी में नीचे जो पैराग्राफ दिया है आपको एक्सपेंडिचर दिया है फ्यूल के अलावा दूसरे एक्सपेंडिचर्स, इसमें क्लोथ फूड आ गया, क्लोथिंग आ गया, क्या है हाउस रेंट आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आ गया, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट टू फ्यूल, फ्यूल्स के एक्सेप्ट के अलावा बाकी के एक्सपेंडिचर है उनका आपको इंडेक्स नंबर निकालना एज पर फैमिली बजट मेथड। तो आप क्या करोगे, पहले आई लोगे, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था आई में पहले आपको 100 तो कम्स अप कर ही देना है। अब यहाँ पर टाइम्स दिया हुआ है, अभी तक आपको इंक्रीज डिक्रीज देते थे, टाइम्स हो तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 100 से सब में क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे, और कितने टाइम्स बोल रहा है वो आपको 2, 2.5, 4.5, 3, 2.5, 4.5, देन आफ्टर लास्ट दिया 3.25, तो इनके इंडेक्स नंबर हम निकाल लेंगे। तो चलो इसका कितना आ गया 300, इसका कितना आएगा 250, इसका कितना आएगा 450, और इसका कितना आएगा 325, और इसका तो ऑलरेडी है ही। फिर उस बेस पर W आपका इधर का क्वेश्चन मार्क होगा, W आपको चार ही दिया हुआ है परसेंटेज बेसिस में, 42, 15, 10, 12, 42, 15, 10, 12, ये क्वेश्चन मार्क है, परसेंट है तो परसेंट के बेस पर हम टोटल कितना रखते हैं 100, जो डिफरेंस आएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे एज यूजुअल जो भी डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आई डब्ल्यू आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पर आई डब्ल्यू की अमाउंट आ जाएगी, फिर फॉर्मूला लग देना है आई इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ओके, इस वैल्यूज में आप वैल्यूज रखोगे, जो वैल्यूज यहाँ पर आएगी उसके बाद डेफिनेटली आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो बाकी का सम्स आपको खुद से सॉल्व करना है, खाली मुझे इंडिकेट करना था आई कैसे आप निकालोगे और ये फ्यूल का इंडेक्स नंबर कैसे आ रहा है, तो उस बेस पर खाली मैंने आपको एज एन हिंट प्रोवाइड की, बाकी का पॉइंट ऑफ व्यू सेल्फ ही आपको सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 23 का भी फर्स्ट पार्ट आपको ही करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या आपको फाइंड करना है, एज एन पार्ट वन दो क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको रियल वेज फाइंड करना है, जो ऑलरेडी आपको मैंने सम्स में बताया था फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेज अपॉन सी ओ आई इंटू 100। तो आपको देखो वेजेस दिया है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है, तो एवरी ईयर्स के वो फाइंड आउट कर सकते हो आप, बट एक और क्वेश्चन उसमें दिया है। देखो आप क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, फाइंड द रियल वेज फॉर द वर्कर्स क्लास ऑफ द सिटी
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट दियर एवरेज मंथली वेज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बेस ईयर 2001. सर्कल करना है, मार्क करना है बेस ईयर 2001 को. और फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो तो आपके सामने ही है, फॉर्मूला मैंने लिखा ही है. फाइंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, क्या है परचेजिंग पावर मनी. रियल वेज आपका फर्स्ट पार्ट तो आपने क्लियर कर ही लिया, फिर परचेजिंग पावर मनी उसने मांगा है. परचेजिंग पावर मनी कौन से ईयर का मांगा है, 2015 का मांगा है. तो 2015 का सबसे पहले आपको क्या चाहिए, COI. तो COI 2015 का कितना दिया हुआ है आपके सम्स में, क्वेश्चन में दिया हुआ है 287. कितना है 287, बस फॉर्मूला रख देना. परचेजिंग पावर मनी इक्वल्स टू 1/COI × 100. तो 1/COI कितना आपका 287 × 100. तो परचेजिंग पावर मनी आपका कितना होगा एज 2015, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो 100 × 1/287 0.35 as compared to 2001 बेस ईयर के बेसिस पर आपका 2015 का परचेजिंग पावर मनी मांगा था. तो सेकंड क्वेश्चंस में 2015 का परचेजिंग पावर मनी निकालोगे, फॉर्मूले में रख देना है COI और किसका मांगा है वो आपको ईयर डायरेक्टली डिनोटेट किया गया. इज इट क्लियर? नाउ टर्न टू द इलस्ट्रेशन नंबर 24. क्या कह रहा है 24 उसको हम देखते हैं. व्हाट अबाउट दिस ए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 24 क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको खुद ही सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है. द प्राइस ऑफ अ वीट वॉज 1600 पर क्विंटल इन 2014 एंड 1800 पर क्विंटल इन 2015. रुपीज दिया हुआ है आपको, तो 2014 आपका जो है एज एन की जीरो हो जाएगा और कितना दिया हुआ है 1600 और 2000 आपका नेक्स्ट इज कितना है 15 में कितना दिया हुआ है P1 उसको लेंगे और P1 के बेसिस पर कितनी अमाउंट दी हुई है 1800. इज इट क्लियर? करंट ईयर बेस ईयर दोनों दिया हुआ है आपको. 2015 का क्या करना है, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर, तो डायरेक्टली ले लेना है एज पर 2015 का इंडेक्स नंबर I=P1/P0 × 100. वैल्यूज रख के सॉल्व कर देना है. इज इट क्लियर? फिर इंक्रीज डिक्रीज भी आपको पता है, जो भी इंडेक्स नंबर आपका आ रहा है उसको क्या करना है 2015 का इंडेक्स माइनस 100, फिर आपको इंक्रीज या डिक्रीज यो पता चल जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ टर्न टू द सम नंबर 2, उसी का सेकंड पार्ट, उस पर थोड़ा ध्यान दो. लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स टू द फिशर्स इंडेक्स नंबर्स. तो यहां पर लास्ट पेयर मतलब IL इक्वल्स टू 8/9 टाइम्स ऑफ IF, जो बोल रहा है बस उसको डिनोटेट करना है. इफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 180, तो इजीली 8/9 यानी फिशर्स इंडेक्स नंबर यानी IF आपको दे रहा है 180, इफ यानी IF इक्वल्स टू 180 देन फाइंड व्हाट अबाउट द फाइंड पास्चेस यानी IP फाइंड करने को कह रहा है. नो प्रॉब्लम, आप पहले IL निकाल लो IP IF के अकॉर्डिंग 8/9 × 180 तो कितना आएगा 9 × 2 = 8 × 2 = 120. आपका वो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा. इज इट क्लियर? 160 आपका क्या आ गया IL आ गया. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर? देन सेकंड पार्ट आपको IF का फॉर्मूला रखना है IF इक्वल्स टू IL इंटू IP. अब IF आपके सामने है, IF कितना है 180, IL कितना है 160 × IP. फिर एक ही फॉर्मेट है, आप दोनों जगह स्क्वायर कर दो. अंडर रूट में 160 × IP इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 180 का स्क्वायर करो कितना आएगा 180 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर करते हो तो 3 × 2 = 400 इक्वल्स टू 160 × IP. ये डिवाइड में कर दो 3 × 2 = 400 / 160 = IP. देन IP फाइंड आउट हो जाएगा 3 × 2 = 400 / 160 कर दो
तो आईपी कितना आ जाएगा 200, आईपी कितना आ जाएगा 200 2.5। दैट्स अ वेरी सिंपल, इजीली क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ सम नंबर 3, उसी में थर्ड नंबर का क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ आइटम 2015 हैज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर, फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर फॉर द 2015 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, 100 आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर आप निकालोगे तो सबसे पहले बेस ईयर आपको सपोज कर लेना है एज अ 100, तो 2015 का क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है 2015 में, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स मतलब इंक्रीज 100 और उसमें 3 टाइम्स, तो इजीली हो गया 100 प्लस इंक्रीज 3 टाइम्स मतलब 300, ओवरऑल कितना हो गया 400 हो गया एज पर 2015 का, इजीली। नाउ टर्न टू द फोर्थ नंबर, P1Q0 रेशियो P0Q0 आपको दिया है, P1Q1 रेशियो P0Q1, IL IP IF आपको फाइंड करना है, तो इजीली आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी पहले भी समझाया था, फोर्थ नंबर यानी आप क्या कर दोगे उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर दोगे, P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 इक्वल्स टू, उसकी वैल्यूज दी होगी कितना है 3/2, सेम फॉर्मूला मैंने समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट वाले में था P1Q1 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1, उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है 5/3, तो खाली आपको फॉर्मूला क्या रखना है IL IP और IF से फॉर्मूला पुटिंग करना है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके नाउ टर्न टू द फिफ्थ नंबर, एवरेज मंथली डिस्पोजल इनकम ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन द ईयर 2014, एवरेज मंथली डिस्पोजल इनकम यानी एवरेज मंथली डिस्पोजल इनकम, ऊपर हेडिंग डाल देनी है, उसमें 2014 की दी हुई है कितनी है 14,400, इज इट क्लियर। एक द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ 2014 विद द बेस ईयर 2015 विद द बेस ईयर 14 115, यानी 2014 का कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको दे दिया है, लेकिन वहां पर 2015 का आपको जो इंडेक्स दिया हुआ है एज अ 2015 का क्या है COI, वो कितना दिया हुआ है 115, देन एस्टिमेट एवरेज मंथली डिस्पोजल इनकम ऑफ दिस फैमिलीज ऑफ द ईयर 2015, तो 2015 का आपको मंथली इनकम निकालना है डिस्पोजल, बहुत ही इजी है, मंथली इनकम या मंथली वेजेस, दैट्स अ वेरी इजी। आपको क्या करना है 2014 का उसको दिया हुआ है, 2015 का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, तो 2014 से अपने 2015 में इंडेक्स नंबर में कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो एज पर बेस ईयर सबसे पहले हम देखेंगे कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है कितना हो रहा है 115 माइनस 100, 15% इंक्रीज हो रहा है, बस वो 15% वहाँ पर इंक्रीज कर देना है। तो फॉर्मेट में क्या करना है आपको एज इन 2014 का 14,400 प्लस आप क्या करोगे 14,400 इंटू 15%, तो जो भी आपका आंसर आएगा फाइनली इसको ऐड करके फाइनल आंसर पुट इन कर सकते हो, इज इट क्लियर। तो ये भी आपको एज यूजुअल सॉल्व कर लेना है। ओके नेक्स्ट पॉइंट में हम 6-7 कंप्लीटेड कर लेंगे, 6-7-8 तीन पॉइंट ऑफ दिए हुए। ओके नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग 5 टर्न सम्स, इलस्ट्रेशन नंबर अपना 24 ही है, उसमें अब हम सम नंबर 7 पर आते हैं, उसका 7th और 6th नंबर का सम 5 तक हमने कंप्लीटेड किया। नाउ टर्न अबाउट द 6th नंबर, क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर हैज इंक्रीज टू 180 फ्रॉम द बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 एंड इनकम ऑफ वर्कर इंक्रीज फ्रॉम 6000 टू 9000, देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ द वर्कर्स एंड हाउ मच इट इज, तो सबसे पहले इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो देखना है, और उसके बेस पे परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो तो लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने एवरेज डिस्पोजल इनकम निकाला था, पहले वो क्या कह रहा है वो हम देखते हैं,
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 180 फ्रॉम द बेस ईयर 100, मतलब COI, पहले COI को सपोज करना है, एक्चुअली क्या दे रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 100 से 180 हो रहा है, दैट्स द बेस ईयर एंड दैट्स द करंट ईयर एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग. आगे क्या कह रहा है, बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज 100 टू 180 कर दिया, एवरेज इनकम ऑफ वर्कर इंक्रीज फ्रॉम 6000 टू 9000, मतलब इनकम बेस पर जो बता रहा है वो 6000 से 9000 इंक्रीज अप हुई है, 6000 टू 9000, इज इट इंक्रीज और डिक्रीज, तो पहले वो बता रहा है इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो एज पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और कितनी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वो वर्कआउट आपको किस पे करना है, एज अ कंपेरिजन टू द बेस ईयर. तो पहले आप ये देखो एज पर इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है, क्योंकि करंट ईयर का जो आपको दिया हुआ है करंट ईयर का इंडेक्स माइनस बेस ईयर का इंडेक्स, तो करंट ईयर का इंडेक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग 180 माइनस 100 करते हो तो 80% आपका एज ओवर इंक्रीजिंग हो रहा है, सिंपल से कैलकुलेशन से 80% आपका इंक्रीजिंग हो रहा है. इज इट क्लियर? अब 80% जितना इंक्रीज हो रहा है वो हम किसके बेस पर, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट आपको साइड में रखना है, ये पॉइंट क्या करना है साइड में रखना है, और अगर जो मेरी मेथड्स के अकॉर्डिंग करते हैं, चलो ना वो दूसरी मेथड ही रखते हैं, वो और भी इजी होगा, इंक्रीज या डिक्रीज एंड हाउ मच, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही मेथड जैसे हमने सम्स किया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उसके बेस पर आपका क्या रखना है, वेजेस. पहले आप क्या करोगे, एक्चुअल वेजेस या फिर इनकम. इलस्ट्रेशन की मेथड हम नहीं करेंगे, हम अपनी सम्स की मेथड करते हैं, बहुत इजी है वो भी. क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको दिया है, उसके बेस पर क्या करोगे, वेजेस आपको निकालना है, एक्चुअल वेजेस कितना आ रहा है, इसको मैंने सर्कल किया बाद में देखेंगे, तो 100 टू 180, 100 पर 180, तो 6000 पर हाउ मच, 6000 इंटू 180 डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा, तो 6000 इंटू 180 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 10800. देखो आपका मेन आंसर आ जाएगा. अब यहां पर आप लिख सकते हो कि वेजेस जो हुआ है वो डिक्रीज हुआ है, वहां पर लॉस और गेन का पॉइंट था, यहां पर आप डिक्रीजिंग इन वेजेस लिख सकते हो इन 2000. कौन सा ईयर दिया हुआ है, एज पर ईयर 2000 करंट ईयर लिख सकते हैं, ईयर नहीं दिया, एज पर इंक्रीज, एज पर करंट ईयर क्या लिख सकते हो, 10800 माइनस 9000 मतलब आपका 1800 जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग में आ रहा है, माइनस में, नेगेटिव फॉर्मेट में, उतना आपका डिक्रीजिंग हुआ है. इज इट क्लियर? नाउ टर्न टू द 7 नंबर, परचेसिंग पावर मांगा है दूसरा, इंक्रीज और डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ द वर्कर्स, तो परचेसिंग पावर ऑफ द वर्कर्स यही पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके बेस पर. अब आते हैं 7 नंबर, वो तो बहुत ही ईजी है, 7 में कुछ नहीं, आपको 2015 और 16 के आपको इंडेक्स नंबर दिए हैं, होलसेल इंडेक्स नंबर, और उसके बेस पर आपको निकालना है इन्फ्लेशन रेट. तो आपको पता है होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, उस बेस पर इजीली कर सकते हो. 7 नंबर जो दिया है आपको, होलसेल इंडेक्स आपको किसका दिया है, करंट ईयर यानी कि 2000, पहले किसका है 15 यानी कि आपका बेस ईयर कितना दिया हुआ है, होलसेल इंडेक्स नंबर 150.2, फिर सेम वे पर होलसेल इंडेक्स ऑफ 2016 का 165.7. अब इजीली कर सकते हो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ROI, WI किसका 2016 माइनस WI 2015 अपॉन WI 2015,
तो 2016 का 165.7 माइनस 150.2 डिवाइड बाय 150.2 जो भी आएगा एज योर आंसर. इज इट क्लियर? नाउ नंबर 8 लास्ट ऑफ दिस सम्स. क्या बोल रहा है? इंक्रीज बोल रहा है 250%, 265%, 300%. आइटम्स आप ए बी सी लिख सकते हो. ए बी सी यहाँ हो गया आपका टोटल. अब आपके सामने इंडेक्स है तो मैंने आपको बताया था पहले क्या कर देना, 100 100 100, उसमें इंक्रीजिंग कर रहा है. कितना कितना इंक्रीजिंग कर रहा है? 250 265 300 250 265 300. तो ये हो गया आपका 350, ये हो गया 365, ये हो गया 400. इज इट क्लियर? W आपको दिया ही होगा, W ऑलरेडी दिया है 875 875. दैट मीन्स टोटल इज 20. IW निकाल सकते हो और फॉर्मूले में रख सकते हो. I इक्वल्स टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. इज इट क्लियर? आया समझ में ये पूरा वर्कआउट? तो इस बेसिस पर आपके इलस्ट्रेशन ऑल्सो कंप्लीटेड, आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीटेड हो गया. अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हमारा 1 2 3 का कवरअप लास्ट चैप्टर करेंगे इस पार्ट का, चैप्टर नंबर 4 के बारे में. ओके, थैंक्स.